पेड़ों के लगाने और उन्हें बचाने की बातें अब तक नारों और स्लोगनों में ही देखी होंगी, लेकिन आगर मालवा जिले के बड़ौत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने इसे लेकर एक नजीर पेश की है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनने की जगह पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ मौजूद था। स्थिति ऐसी बन गई कि भवन के निर्माण के लिए पेड़ काटना जरूरी हो गया, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने उसे ना काटकर दूसरे विकल्प पर गौर किया और अस्पताल के फर्श और छत को इस तरह से तैयार किया कि पेड़ की एक डाल भी नहीं काटी जाए। और देखिए किस तरह से ये पेड़ अभी भी पहले की तरह ही लहलहा रहा है। यहाँ पर जो जब यह बिल्डिंग बन रही थी उस समय यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ को जो जिम्मेदार उन्होंने नहीं काटते हुए उसको व्यवस्थित उस बिल्डिंग में से निकाला। अब हम दूसरी मंजिल पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पीपल का पेड़ हरा भरा है और यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको यहाँ पे छाया देता है सुख। ये मैं अभी बड़ौत में 3 साल से हूँ। मैं डॉक्टर विवेक कुमारिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बड़ौत, और इवन मैं पहले ड्यूटी करने भी आया था, तो जहाँ तक मैंने सुना है वृक्ष 7 से 8 समय उससे भी काफी पुराना है। और जब ये बिल्डिंग बनी थी उस टाइम ध्यान रखा हुआ था लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए कि वृक्ष भी नहीं घटे, क्योंकि पेड़ बचाना आजकल बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ काम किया जाए कि पेड़ भी बचा रहे और हमारा कंस्ट्रक्शन भी हम मतलब वातावरण को नुकसान ना पहुंचा के और अपनी सुविधा का भी ध्यान रखें, तो उस चीज़ को और लोगों की धार्मिक आस्था को ध्यान रखते हुए इसका निर्माण किया गया था और काफी पुराना है और काफी अच्छा भी है। ये तस्वीर अपने आप में एक प्रेरणा है जिसे अपनाकर हम बड़े स्तर पर हो रही पेड़ों की कटाई पर विराम लगा सकते हैं। साथ ही ये प्रतीक है उस सोच की जिससे ये साबित होता है कि आदमी एक बार सोच ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सैयद जाफर हुसैन की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।